नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। पलामू जिले के पांकी प्रखंड मुख्यालय स्थित लालू मैदान में मंदिर स्वयं सेवी संस्था के केंद्रीय सचिव सह पांकी विधानसभा के पूर्व झामुमो प्रत्याशी डॉक्टर शशि भूषण मेहता के नेतृत्व में गुरुवार को एक साथ 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इसमें डॉक्टर शशि भूषण मेहता के अपनी बेटी की भी विवाह शामिल है। झामुमो नेता डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने पत्नी संग अपनी बेटी के अलावे सभी बहनों को कन्यादान किया। समारोह में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष नेता हेमंत सोरेन आदि की उपस्थिति में शादी संपन्न हुआ। सभी अतिथियों ने नव दंपति को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उपस्थित गण्यमान लोगों को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। झामुमो नेता डॉक्टर शशि भूषण मेहता व उनकी पत्नी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कर सभी को कन्यादान किया। साथ ही वर एवं कन्याओं को आशीर्वाद देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीब परिवार की लड़कियों के शादी कराना पुण्य का कार्य है। उन्होंने डॉक्टर शशि भूषण मेहता को इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति एक बेटी से शादी करता है, लेकिन झामुमो नेता डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने 51 बहनों का कन्यादान कर पांकी विधानसभा समेत पलामू में इतिहास रच दिया। उन्होंने मंच के माध्यम से लोगों से अपील की कि ऐसे ही पांकी विधानसभा में ऊर्जावान नेता की जरूरत है, जिससे कि झारखंड का विकास हो। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए मैं डॉक्टर शशि भूषण मेहता को तहे दिल से बधाई देता हूं। डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि पांकी विधानसभा के ग्रामीण जनताओं के सहयोग से ही लालू मैदान में एक साथ 51 बहनों की शादी संपन्न हो पाया है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से शादी होने से समाज से दहेज रूपी कुर्तियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि पांकी विधानसभा के जनताओं का आशीर्वाद मिला तो आने वाला दिनों में इससे भी बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कलाकार देवी द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पांकी थाना प्रभारी ललित कुमार भीड़ को खुद नियंत्रित कर रहे थे। धन्यवाद।